नमस्कार, आज हम एग्रीमनी जो कि बैच फ्लावर की दवा है इसी के बारे में समझेंगे। कुल 39 बैच फ्लावर की दवा है, मैं सबके बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। तो आइए समझते हैं। ऐसे लोग जो अपनी तकलीफें अंदर ही अंदर सहा करते हैं, सबसे हंसी मजाक करते हैं, एग्रीमनी के रोगी ऐसे ही हैं जो ऊपर से खुश दिखाई देते हैं लेकिन अंदर ही अंदर बेचैन रहते हैं। दूसरों को इनकी अंदरूनी तकलीफ का जरा भी अंदाजा नहीं लग पाता। एग्रीमनी दवा उन लोगों के लिए है जो दुख दर्द तकलीफें सहते रहते हैं लेकिन अपनी तकलीफों को दूसरों से छिपाते हैं, अपनी तकलीफ से किसी को परेशान नहीं करना चाहते। उनके चेहरे पर बिल्कुल पता नहीं लगता है कि वे अंदर से कितने परेशान हैं। यार दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं, इसलिए किसी को उनकी तकलीफों का पता ही नहीं चल पाता है। लोग समझते हैं कि वे स्वस्थ हैं, चिकित्सक के लिए भी इनका इलाज करना मुश्किल होता है। बीमार होने पर भी वह खुद से चिकित्सक के पास नहीं जाते, घर के लोगों को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। चिकित्सक जब उनसे उनकी तकलीफों के बारे में पूछते हैं तो उनका जवाब होता है, दर्द तो है पर मैं ठीक हूँ। दो चार शब्दों से ज़्यादा अपनी बीमारी के बारे में बोलेंगे भी नहीं, परिवार के सदस्य को ही बीमारी के बारे में जानकारी देना पड़ता है। वे हमेशा अपने चेहरे पर एक खुश मिजाज इंसान का मुखौटा लगाए रहते हैं, अपनी तकलीफ की वजह से अंदर ही अंदर घूरते रहते हैं। दूसरों के सामने वे खुश नज़र आने का नाटक करते हैं। बीमार होने पर अगर कोई इनसे मिलने आता है तो वो उनके साथ भी हंसी मजाक ही करते रहते हैं। अकेलापन इन्हें अच्छा नहीं लगता, अकेला रहने पर इनकी सभी तकलीफें बढ़ जाती है, इसलिए वे हमेशा किसी न किसी का साथ चाहते हैं। परिवार के लोग और दोस्तों के साथ दिन तो किसी न किसी तरह कट जाता है लेकिन रात काटे नहीं कटती। उनकी तकलीफें रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वे रात भर जागते रहते हैं, बिस्तर छोड़कर वे टहलते हुए दिखाई देंगे। अपनी तकलीफ को छुपाने के लिए शराब सिगरेट वगैरह का सहारा लेते हैं, नींद की गोलियां भी खाते हैं। ऐसे लोगों की नींद ना आने की बीमारी एग्रीमनी से दूर हो जाती है। एग्रीमनी के लोग बड़े शांत होते, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, कभी किसी से बहस नहीं करते। इन्हें अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया भी है तो वे उस नुकसान को चुपचाप सह लेंगे, नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। झगड़ालू व्यक्ति कभी भी एग्रीमनी का रोगी नहीं होता। एग्रीमनी का यह स्वभाव बच्चों में भी पाया जाता है। ये बच्चा अगर गिर भी जाए तो फौरन उठकर खड़ा होगा और चलने लगेगा, रोएगा नहीं। अगर रोया भी तो एक दो पल के लिए बस रोएगा, फिर फौरन ठीक हो जाएगा, फौरन खेल कूद में लग जाएगा। ये बच्चे जिद्दी नहीं होते, बीमार की हालत में भी अक्सर शांत ही दिखाई देते हैं। सोचते हैं कि मम्मी को क्यों बोलूं, वो भी तो पूरे दिन काम करके थक जाती हैं। संक्षेप में कहें तो एग्रीमनी के रोगी के बारे में यही कहा जाएगा, अंदर से परेशान बाहर से चेहरे पर मुस्कान। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।